Hello friends, welcome back and thank you for tuning in once again to our channel. You're watching Counting Kilometers. Well, as you know, Counting Kilometers पे अगर मैंने कोई वादा किया तो उसके बाद I stick to it. I take all efforts to complete that promise. और उसी प्रॉमिस के चलते जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि ये पिटारा हम इस ब्लॉग में खोलने वाले हैं. अगर आपने लास्ट ब्लॉग नहीं देखा है तो सबसे पहले वो ब्लॉग देखो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव शेयर्ड इन द लास्ट ब्लॉग. वो वीडियो देख के अगर आप इस ब्लॉग में आओगे तो और भी आपको ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, ज़्यादा लिंक कर पाओगे इस इन्फॉर्मेशन को. एनीवेज, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माय एंटायर व्लॉगिंग किट, माय एंटायर कैमरा गैजेट्स एंड ऑल द एसेसरीज जो इस बैग में भरे हुए हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स. अगर आप पहले से काउंटिंग किलोमीटर्स के साथ जुड़े हुए हो, आप हमारे ट्रैवल व्लॉग्स पहले से अगर देख रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि आई बीन यूजिंग मल्टीपल कैमराज, अलग अलग कैमराज जो अलग अलग स्टैंडर्ड्स के हैं, अलग अलग कॉस्टिंग के हैं. और जैसे जैसे अपना चैनल थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया वैसे वैसे मैंने अलग अलग कैमराज में इन्वेस्ट किया है. आई एम नॉट सेइंग आई हैव गॉट एनी कैमराज बेस्ट इन द इंडस्ट्री, सब एकदम बेसिक लेवल के कैमराज है, लेकिन उसी में से जितना हो सके उतना सिनेमैटिक मूवी स्टाइल आपके लिए व्लॉग्स लाने की कोशिश करता हूँ मैं. हर हफ्ते, हर ट्रिप पे, हर व्लॉग जितना हो सके उतना यूनिक और अलग बनाने की कोशिश करता हूँ. तो बस एज ऑफ टुडे ऑन 27th of April 2021 मेरे इस बैग में क्या क्या है और कौन से कैमराज में यूज़ करता हूँ और कौन से कैमराज किस पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ, यही चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. सो लेट्स ओपन इट अप और एक एक चीज़ें बाहर निकालेंगे इसमें से. सबसे पहले, सबसे ऊपर जो रखा हुआ है वो है मेरा गोरिल्ला पॉड और गिम्बल. इसको तो आप सब जानते होंगे पहले से, ये एकदम वर्सेटाइल प्रोडक्ट है. ऑलमोस्ट हर व्लॉगर के हाथ में ये आपने देखा ही होगा कभी ना कभी. इट्स लाइक ये आप ऐसे ट्राइपॉड की तरह यूज़ भी कर सकते हो और इसको किसी भी पाइप पे वगैरह, किसी भी और सरफेस पे, कहीं से भी आपको माउंट करना है तो इसको आप यूज़ कर सकते हो. सो इट्स अ वेरी वर्सेटाइल प्रोडक्ट. और दिस गिम्बल, दिस इज़ ज़ियून स्मूथ Q2, ये मैंने पिछले साल लिया था. दिस इज़ अ स्मार्टफोन गिम्बल, यहाँ पे स्मार्टफोन कनेक्ट होता है आपका, या फिर आप GoPro भी कनेक्ट कर सकते हो इस पर. कैसे वो आपको मैं आगे बताऊँगा, क्योंकि उसके लिए एक अटैचमेंट लगता है जो GoPro वाले बैग में है अपने. तो येस, दिस इज़ अ गिम्बल विच स्टेबिलाइजेस योर फुटेज मैकेनिकली मोटर्स पे. इट इज़ नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल स्टेबिलाइजेशन, इट इज़ अ मैकेनिकल स्टेबिलाइजेशन. इसको यूज़ करने से आपका फ़ोन तीनों एक्सिस में स्टेबल रह पाता है. अब मैं एक एक चीज़ आपको दिखाने के बाद यहाँ साइड में रखने वाला हूँ, क्योंकि अपने पास टेबल पे जगह थोड़ी कम है. तो ये हुआ अपना ट्राइपॉड और गिम्बल. नेक्स्ट अप इज द ड्रोन बैग. इसमें है अपना DJI Mavic Mini Flymore Combo. अब अगर इसमें क्या क्या आता है और इसका एंटायर अनबॉक्सिंग और पूरा इंट्रोडक्शन जो है उसमें हमने वीडियो बनाया था मैंने, तो वो वीडियो का लिंक यहाँ पे है, आप जाके देख सकते हो कि इसमें क्या क्या आता है. फॉर नाउ जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन. दिस इज़ अपना छोटू सा प्यारा सा DJI Mavic Mini. सो दिस इट्स सो स्मॉल. अबाउट दिस, इट इज़ ऑब्वियस कि इसको मैं एरियल फोटोग्राफी और एरियल वीडियोग्राफी के लिए यूज़ करता हूँ. आप हमारे ब्लॉग्स में जो भी एरियल शॉट्स देखते हैं वो इसी में से आते हैं, थैंक्स टू Mavic Mini. आगे जाने से पहले बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे जस्ट ऊपर एक छोटी सी चिड़िया है जो घोंसला बना रही है. अभी मेरा ध्यान गया उस पर, तो आपको जो चर्पिंग साउंड सुनाई दे रहा है ना, तो उसी के है. अभी उसको यहाँ से भगाने का मन नहीं हो रहा है मेरा, क्योंकि वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका घोंसला अच्छे से बने. तो ये चर्पिंग का बैकग्राउंड नॉइज नहीं है, बैकग्राउंड म्यूजिक जो आपको मिल रहा है ना, वो थैंक्स टू दैट चिड़िया. ओके, लेट्स कंटिन्यू. अभी नेक्स्ट इसमें से बाहर आएगा अपना DSLR का बैग. इसमें सबसे पहले मैं बताऊँगा, ये जो है फ्रंट चेन, इसमें मैं सारे चार्जर्स के एडाप्टर्स रखता हूँ. मतलब ये पूरा दुकान लेके चलना पड़ता है अपने को, तीन इसके अलावा और अंदर घर में दो है, और फिर DSLR का खुद का चार्जर, छह चार्जर के एडाप्टर्स इसमें होते हैं. एंड देन इसमें होता है अपना DSLR. सो आई टेल यू सम बेसिक थिंग्स अबाउट दिस. दिस इज़ एन ओल्ड मॉडल, कैनन का 550D, बहुत पुराना मॉडल है. आई मीन 2012 में लिया था मैंने. तो इसमें रियल टाइम ऑटो फोकस नहीं है, दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग. अगर इसमें रियल टाइम ऑटो फोकस होता तो दिस वुड हैव बीन
माय मेन व्लॉगिंग कैमरा, लेकिन इसमें रियल टाइम ऑटो फोकस नहीं है। आपको एक बार फोकस सेट करके वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया तो वो वहीं पे रहेगा, या फिर आपको रिंग से एडजस्ट करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर व्लॉगिंग, क्योंकि कैमरा घूमते रहता है। कभी मैं खुद को दिखाऊंगा, कभी सामने दिखाऊंगा, तो इसको मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। और सिर्फ व्लॉगिंग के लिए DSLR बॉडी अपग्रेड करना अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है। दैट्स द ओनली रीज़न आई एम व्लॉगिंग विद द फोन। बट देन दैट डजेंट मीन कि ये कैमरा पूरा यूजलेस है व्लॉगिंग में। अपना जो सिनेमैटिक स्टाइल फॉलो करने की कोशिश मैं करता हूँ, उसमें ये लेंस बहुत काम आता है। दिस इज़ अ 50mm f1.8। इसमें जो बैकग्राउंड बुके मिलता है, आप जितने भी पोर्ट्रेट शॉट्स देखते हो ना वीडियोज़ में, फेस फोकस रहता है और पीछे पूरा बैकग्राउंड ब्लर रहता है जस्ट लाइक दिस, तो वो सारे शॉट्स इस कैमरा में से आते हैं। इसके टेक्निकल पॉइंट्स में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन कमेंट्स जो आते हैं वीडियोस पे, उस पे से मुझे पता तो चल ही जाता है कि यार जो इसमें से शॉट्स आते हैं, पोर्ट्रेट शॉट्स जो मैं लेता हूँ ना, वो अलग ही लेवल का एक फील दे जाते हो। सो दैट्स द ओनली रीज़न आई कंटिन्यू यूजिंग दिस कैमरा, क्योंकि 50mm पे जो पोर्ट्रेट शॉट्स आते हैं, बस उसी के लिए डेडिकेटेड, सिर्फ और सिर्फ पोर्ट्रेट शॉट्स लेने के लिए मैं ये कैमरा यूज़ करता हूँ, और हर जगह पे, हर ट्रिप पे ये कैमरा कैरी करता हूँ। नाउ कमिंग टू द लास्ट बिग बैग, इसके अलावा एक छोटा बैग भी है इसमें, लेकिन ये है मेरा पूरा GoPro और एक्शन कैम्स का पूरा बैग। इसमें से क्या क्या निकलेगा? इसमें सबसे पहले तो अपना GoPro होता है, जो अभी हेलमेट पे लगा हुआ है। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा वो हेलमेट पे ही रहता है हमेशा, क्योंकि उसको हर बार निकालना फिर लगाना। और GoPro Hero 5 Black जो मेरे पास है, वो मोस्टली मैं सिर्फ और सिर्फ मोटो व्लॉगिंग के लिए यूज़ करता हूँ। अनटिल एंड अनलेस देयर इज सम इशू कि फ़ोन का बैटरी ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ होगा, तभी मैं व्लॉगिंग के लिए GoPro यूज़ करता हूँ। अदरवाइज इट इज़ डेडिकेटेड, तो वो परमानेंटली मैं हेलमेट पे ही रखता हूँ माउंटेड। उसके अलावा अगर कभी उसको मुझे अंडर वाटर ले जाना पड़े, तो उसके लिए ये केस है। केस ओनली बिकॉज उसका जो बॉडी है ख़राब हो चुका है, इट इज़ ऑल्सो एन ओल्ड कैमरा। एंड बिसाइड्स दैट, इस छोटी सी थैली में अपना इंस्टा 360 है। आई शो यू, ये है छोटा सा प्यारा सा जादू का कैमरा, जिसमें दो आँखें हैं और ये दोनों आँखों से एक साथ शूट करता है 360 डिग्री। इसमें से आने वाले शॉट्स अलग ही पर्सपेक्टिव दे जाते हैं। तो आपने देखे होंगे बहुत से शॉट्स, स्पेशली जब मैं बाइक पे रहता हूँ और बाइक पे खुद को शूट करने के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक आई एम फ्लाइंग अ ड्रोन एंड इट इज़ ट्रैकिंग मी। बहुत बहुत बढ़िया शॉट्स आते हैं इसमें से। तो यस, दिस इज़ वन मोर कैमरा दैट आई एम यूजिंग। अपार्ट फ्रॉम दीज, मेरे पास और एक एक्शन कैम है, जो TI का i60+, जो मैंने सबसे पहले लिया हुआ था, इवन बिफोर आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग, उससे पहले लिया हुआ था वो कैमरा, लेकिन वो अभी मेरे पास नहीं है। इट्स विद अ फ्रेंड मैंने लेंड किया हुआ है। बट देन वो कैमरा बहुत रेयरली यूज़ होता है आजकल, क्योंकि उसका क्वालिटी GoPro से कंपेयर नहीं हो पाता, लेट्स फेस इट। अच्छा, इसको बंद करने से पहले मैंने जो बताया था कि गिम्बल पे GoPro कैसे माउंट होता है, तो दिस इज़ द प्लेट दैट आई यूज़। इसमें GoPro कैमरा माउंट होता है, यहाँ पे माइक अडाप्टर जाता है, और ये पूरा प्लेट जो है जस्ट लाइक अ फ़ोन, जैसे आप फ़ोन लगाओगे होल्डर में उस गिम्बल के, वैसे ही ये प्लेट आपको गिम्बल में लगाना है। सो दिस इज़ अ डेडिकेटेड प्लेट मेंट फॉर माउंटिंग अ GoPro ऑन अ फ़ोन गिम्बल। ये एक मैंने लिया हुआ है, जब भी मुझे GoPro व्लॉगिंग के लिए यूज़ करना होता है तो इसमें माउंट करके मैं गिम्बल पे यूज़ करता हूँ। बिसाइड्स दैट, इस बैग में ये एक छोटा सा पाउच है जिसमें सारे कनेक्टर्स हैं, मतलब OTG कनेक्टर, पेन ड्राइव, आपका मिनी कार्ड रीडर जो microSD का रीडर होता है। देन आई हैव दिस लिटिल सेल्फी स्टिक, जिसको मैंने मॉडिफाई किया हुआ है। एक्चुअली इंस्टा 360 का जो इनविजिबल सेल्फी स्टिक आता है, वो मैंने ख़रीदा नहीं था, तो मेरे पास ये पुराना अमेज़ॉन से ख़रीदा हुआ एक सेल्फी स्टिक था, जिसको मैंने फेविक्विक लगा के इसको फिक्स कर दिया है, सो दैट इट बिकम्स अ इनविजिबल सेल्फी स्टिक। तो इसको मैं डेडिकेटेड सिर्फ और सिर्फ इंस्टा 360 माउंट करने के लिए यूज़ करता हूँ। इस पर माउंट करके जब भी मैं बाइक पर चल रहा हूँ, तो ऐसे दूर पकड़ूंगा तो ये स्टिक गायब हो जाती है, और आपको वो फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव वाले जो शॉट्स मिलते हैं ना, जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ और आपको दूर से बाइक ही दिख रही है, तो ऐसा लगता है कि जो मैंने बताया कि ड्रोन शॉट्स जैसा लगता है, वो इसके कमाल है वो सब। एंड देन लास्ट, इसमें एक छोटा सा बॉक्स है, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बताने वाला, सिर्फ आपको दिखाने वाला हूँ। ये पूरा बॉक्स वायर से भरा हुआ है, हर कैमरा के चार्जिंग केबल्स। इसमें मेरे ख्याल से 11 या 12 अलग अलग केबल्स हैं। आई मेक इट अ पॉइंट कि हर कैमरा के लिए उसके साथ जो केबल आया वही यूज़ करता हूँ मैं, कभी थर्ड पार्टी केबल्स यूज़ करने की कोशिश नहीं करता। एंड आई हैव सीन अ डिफरेंस कि जब भी मैं, अगर
गलती से भी कोई अलग कॉर्ड लगाऊंगा तो जो चार्जिंग स्पीड मिलता है वो कम होता है। अगेन आपको वारंटी वगैरह का भी इशू आ सकता है अगर आप थर्ड पार्टी केबल या एडाप्टर यूज़ करोगे, तो इट्स बेटर टू स्टिक टू द ओरिजिनल्स। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, इस बैग में माइक होता है जो अभी फ़ोन से कनेक्टेड है वहाँ पे सामने, तो वो अभी मैं दिखा नहीं सकता ऐसे उठा के आपको, वहाँ पे लगा हुआ है, आपने किसी ना किसी शॉट्स में देखा ही होगा। आई ट्राई टू पुट अ पिक्चर ओवर हियर। तो वो माइक है अपने पास। एंड देन देर आर अ फ्यू एसेसरीज फॉर गोप्रो, जैसे ये रिस्ट माउंट है, देन आईव गॉट अ हेड माउंट, देन आईव गॉट अ क्रोकोडाइल क्लिप माउंट जो बैग्स वगैरह पे लगाने के लिए यूज़ होता है, और ऐसे बहुत से छोटे छोटे माउंट्स लेके रखे हुए हैं। फिर जो गोप्रो के स्क्रूज आते हैं वो एक्स्ट्रा स्क्रूज एंड ऑल, ये सारी चीज़ें इस पाउच में होती है यहाँ पे। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस बैग। इस बैग में क्या क्या होता है ये सब मैंने आपको ओपन करके यहाँ पे दिखा दिया है कि मेरा पूरा व्लॉगिंग किट, मेरे जो कैमरा गैजेट्स है उसमें क्या क्या होता है। तो आई विल जस्ट ट्राई टू पुट अप एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन हियर कि क्या क्या है, और उसका परचेस कॉस्ट जब मैंने लिया था उसका परचेस कॉस्ट क्या था, तो आपको एक अंदाज से पता चल जाएगा कि इस बैग का मेरे पूरे व्लॉगिंग किट का टोटल कॉस्ट कितना है एज ऑफ टुडे। ऑफ कोर्स इट्स अ कंटिन्यूअस इवॉल्विंग प्रोसेस, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, अलग अलग गैजेट्स बढ़ते जाएंगे, अलग अलग अपग्रेड्स होते जाएंगे, ऑफ कोर्स आई विल कीप डूइंग दैट, क्योंकि अच्छे से अच्छा क्वालिटी, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर करने की जिम्मेदारी समझता हूँ मैं अपनी। तो अपग्रेड्स तो होते रहेंगे, लेकिन आज की तारीख में दिस इज़ वॉट आई हैव। And the only reason to put up this entire screen in front of you is just to show you how dedicated we are. अगर हम अपना पूरा डेडिकेशन देते हैं इस चैनल के लिए, एक अच्छा कंटेंट आपके सामने रखने के लिए मेहनत करते हैं, तो हक से हम बोल सकते हैं यार सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को शेयर करो, जितना हो सके सपोर्ट करो। अगर हम एज अ चैनल, एज अ फैमिली ग्रो हो पाएंगे ना, तभी हम अपग्रेड्स कर पाएंगे, तभी हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया अच्छा अच्छा क्वालिटी का कंटेंट अच्छी अच्छी जगहों से लेके आ पाएंगे। बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ हार्डवर्क, डेडिकेशन। ऑफकोर्स ऑल दैट विल हैपन अगर आपको लगता है कि हम आपको कुछ वैल्यू दे रहे हैं, कुछ अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर, आई अज्यूम दैट यू हैव गॉट समथिंग वैल्यूएबल आउट ऑफ दिस वीडियो। इफ येस, देन ऑफकोर्स डू हिट अ लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो अक्रॉस टू योर सर्कल्स। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ या फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी। कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।